भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को हुए सबसे हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर एक विराट जीत दर्ज की थी। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच अभी क्रिकेट के मैदान पर जंग खत्म नहीं हुई है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान कड़ी टक्कर के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस मेगा टूर्नामेंट के फाइनल में 13 नवंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का मैच होने की संभावना जताई जा रही है। क्रिकेट जगत के कई दिग्गज एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी कर दी है कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो सकती है। इसके साथ ही रवि ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया बाजी मार सकती है। इस खिताबी जंग को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब तक की अगर बात मानी जाए तो उनके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में है। ग्रुप एक और ग्रुप दो में 6-6 टीमें हैं। इन 6 में से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत और पाकिस्तान अगर दोनों ही ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला ग्रुप एक की 2 टॉप टीमों से होगा। इसका मतलब सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनल मैच हो सकता है। अख्तर ने कहा, अभी इंडिया एक मैच जीता है वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान एक मैच हारा है। अभी हमने दोबारा मिलना है इंडिया से। इंडिया को हमें दोबारा फेटा लगाना ही लगाना है, वो हम आगे चलकर लगाएंगे। गौरतलब है कि फाइनल तो छोड़िए, अभी सेमीफाइनल में पहुंचने की राह भी पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में अगर पाकिस्तान एक भी मैच हार गया तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान का एक मैच अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी होना है, जो इस T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो यहां से सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने ग्रुप में नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को हराना होगा। अगर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच हार भी जाती है तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जिस फॉर्म में टीम इंडिया है उसे देखते हुए साउथ अफ्रीका को भी भारत के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान का भी मानना है कि T20 वर्ल्ड कप की खिताबी जंग 13 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करेगी, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो उस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।